back to my channel. This is Swati and I hope you guys are doing absolutely great. तो आज हम सफर करने वाले हैं भारत के सबसे तेज ट्रेन, yes that is वंदे भारत एक्सप्रेस. हम सफर करने वाले हैं येलाहंका बैंगलोर टू कलबुर्गी तक. तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं. मेरे पीजी से स्टेशन तक सिर्फ 5 किलोमीटर है, लेकिन हमें यहाँ से 1 घंटे पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक की वजह से बहुत ही लेट हो जाऊंगी मैं. तो पहले मैं बुक करती हूँ कैब एंड देन आई विल सी यू गाइस. तो गाइज मैंने कैब बुक की है, तो चलो फटाफट से नीचे चलते हैं एंड रूम लॉक भी करना है यार. तो गाइज फाइनली ऐड हो आज की है एंड मैं ऐड में बैठ चुकी हूँ. 3 बजे मेरी ट्रेन है एंड ऑलरेडी यहाँ पे 2:30 बज चुका है. सिर्फ आधा घंटा बचा मेरे पास. देखो भाई साहब ट्रैफिक में 10 मिनट ऑलरेडी निकल गई. मैं लिटरली स्टेशन से 15 मिनट्स में पहुंच गई. पता है अभी 10 मिनट में ट्रेन आने वाली है एंड ये स्टेशन इतने खाली खाली क्यों है भाई. ज़्यादा धूप है भाई साहब यहाँ पे 35 डिग्री हो रखा है. सो गाइस फाइनली ये रही हमारी द न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन माना जाता है. खुल जा सिम सिम. जी हाँ गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, जो बटन प्रेस करने के बाद ही डोर खुल जाएगा. मुझे तो लगता है कि इन्होंने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट का पैटर्न कॉपी किया है. तो गाइज ये रही मेरी सीट 75. तो चलो यार वहाँ जाके बैठते हैं. तो गाइज यहाँ पे हमारी ट्रेन चल पड़ी. तो चलो गाइस अभी हम इस ट्रेन के एमिनिटीज़ को चेक करते हैं. तो वहाँ पे इन्होंने लगेज रखने के लिए ओवरहेड रैक दिया गया है एंड यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर है एंड दिस इज़ लेग रूम वेर यू कैन कीप योर लेग्स एंड इस पॉकेट में जहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना चार्जर एयरपॉड्स एंड सनग्लासेस रख दिया है एंड इस चेयर के पीछे फोल्डेबल टेबल है. जब चाहो आप अनफोल्ड करके किसी काम के लिए या खाने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो गाइस सबसे पहले अंकल ने ठंडे पानी की बोतल दी. एंड थैंक गॉड गाइस मेरे टिकट बुक करते वक्त विंडो सीट बुक की थी एंड दैट इज़ व्हाई आई एम एबल टू एंजॉय दिस सीनरी थ्रू आउट माय जर्नी थ्रू दिस विंडो. एंड वन मोर थिंग गाइस, दिस इज एसी चेयर कार कोच एंड दैट्स द रीज़न द होल ट्रेन इज़ लाइक कम्प्लीटली पैक यू नो. तो चलो इस बॉटल को अपने घर भेजते हैं. एंड गाइज हियर आई स्पॉटेड समथिंग लाइक मिनी किचन ऑफ दिस ट्रेन, जहाँ पे स्नैक्स वगैरह रखा हुआ है. ठीक है आजा दिखाता हूँ. एंड गाइज यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है जो कि ऑटोमेटिक है एंड सेंसर बेस्ड. यहाँ देखो मेरी हाथों को डिटेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली सोप डिस्पेंस हो जा रही है. इंटरेस्टिंग ना. बाकी ये ट्रेन तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है यार. एंड ये देखो यहाँ पे है हैंड ड्रायर, ये भी सेंसर बेस्ड है गाइज. ये देखो मेरे हाथों को ये ड्रायर ऑन हो गई. नॉर्मल स्लीपर क्लास ट्रेन में यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखने मिलेंगे, लेकिन लिटरली गाइज यहाँ पे कोई भी नहीं है. बात तो सही है. देखो कितना खाली खाली है एंड यहाँ पे सीसी कैमरा भी लगा हुआ है. गाइज यहाँ पे सीट के बाजू एक बटन है, जो दबाने के बाद हमारी जो सीट है वो पीछे चली जाएगी. आई वॉज सो हंग्री एंड देन ये अंकल आ गए स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने एग्जैक्ट एट 4 PM. सो या स्नैक्स में इन्होंने दिया एक समोसा, एक लॉटी चोकोपाई, मसाला टी पाउडर, सेव मरमा एंड या मैंगो जूस. इसके बाद इन्होंने गरम गरम पानी दिया ताकि हम मसाला टी खुद बना सके. सो या वी आर सपोज टू ऐड दिस मसाला टी पाउडर टू दिस हॉट वाटर. चलो ऐड करते हैं. कप में डालने हैं अपने आप में. तो मैंने ना ये वीडियो बनाने के चक्कर में ये जो टी पाउडर ये अपने आप पे आई मीन जीन्स पर गिरा दिया यार. शाबाश बेटा. मिक्स करते रहो करते रहो. सो गाइस हियर इज अ DIY मसाला टी रेडी. तो चलो टेस्ट करते हैं. सो गाइस यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट Wi-Fi भी अवेलेबल है एंड यहाँ पे सीट के नीचे दिया गया है चार्जर पॉइंट.
लीजिए कितना जल्दी टाइम निकल रही है गाइज इस ट्रेन में। हे से हाय। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो रही है ब्यूटीफुल सनसेट। तो अभी हम पहुँच गए गुंतकल स्टेशन को। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो रात को विंडो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं मंत्रालयम रोड। द नेक्स्ट स्टॉप इज रायचूर एंड देन आवर डेस्टिनेशन दैट इज कलबुर्गी। सो गाइज अराउंड 7:30 इन्होंने डिनर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। आई एम रियली सो एक्साइटेड अबाउट दिस डिनर। सो लेट्स अनबॉक्स इट एंड सी व्हाट दे रियली गॉट फॉर अस। तो गाइज इसके साथ हमें मिला है एक हर्बल हैंड सैनिटाइजर, वाइट राइस, कैबेज की सब्जी, दाल। एंड गाइज मैंने पहले ही वेज का ऑप्शन चूज कर लिया था तो मुझे मिला है पनीर की सब्जी, दो रोटी एंड योगर्ट। सो बाकी द फूड वाज नॉट बैड। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने दिया छोटा सा आइसक्रीम। लाइक इतना छोटा देते ही क्यों है यार, मतलब फेवरेट चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में देना चाहिए ना। सो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10 बजे। सो आई माइट एंड माई व्लॉग राइट नाउ क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है एंड वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हम गुलबर्गा स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो ये रहे मेरा भाई एंड मेरे पापा आ गए मुझे लेने के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये बैग ले रहे हैं, बैग ले रहे हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो राइट टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गाइज विल बी नोटिफाइड। अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय, टेक केयर। I should fuck her in the